हाँ जी, मेरा नाम चौधरी मनिंदर संधू, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जी रहने मैं, तहसील मेरी करणपुर है। वो कहते भी पहला आपके कच्चे प्यो का पता हो फिर ही पक्के की सुरत आती है। तो ये गल्लां जो दसो तो लोग बहुत गालां भी कढ़ते हैं, चौवियां चौवियां जिवें निज्जर साहब कहिंदे, बहुत गालां कढ़दे आ। ते जिवें अज किसी ते मैसेज, जिवें अज मैं करता इंडी जसवाल दा, सुने ही होना सारे ने, इंडी जसवाल हैगा उस ते उन्हें इंस्टाग्राम ते पाया कुछ है ना, ते मैं उस ते मैसेज करता। कौम दी गल आ गई जिथे, मैं कहा भाई आपदी कौम दी, जट कौम दी गल करया कर तू। तो बस शुरू हो गए दूसरे लोग आके उत्थे, जिवें की हुंदा है, मैं कहा जी सिख कौम नहीं सिख पंथ हुंदा है। ते कोई उत्थे आ गया राठौड़ साहब, उत्थे आके लग पिया, नहीं चल इन्ना गलत तो नहीं बोलिया, मगर वो दूसरे आके आप गालां बड़ियां कढ़दे आ ना। ते जिवें कोई कहिंदा बेटा सिखो कौम है जिहड़ी सारे इंडिया नूं रोटी दिंदी है, फलाना तिनका बैठे है सिखा कौम वर्गा ना कोई, और मतलब एक कूड़ प्रचार जिहड़ा हैगा ना, इहदा नखेड़ा जिवें सच नहीं कर सकदा, सत कर सकदा। ते वो सत बोलण दी कोशिश कर रहे हैं, ते चलो जिवें भी है गल करांगे अगे अगे। ते जिवें मैं हमेशा कहना ना भी सिख कौम है, सिख कौम नहीं है सिख पंथ है, अपनी कौम जट है, जट ते जाट एक कौम है। जाट जट चाहे हिंदू होवे, जट चाहे सिख होवे, जट चाहे मुसलमान होवे, जट चाहे क्रिश्चियन होवे, जट जट ही हुंदा। आपां नूं बहुत नाम दे के भी एक अलग कौम है, सिख सिख जट अलग कौम है, हिंदू जट अलग कौम है, मैं करके बहुत वंड पा के, पार्टीशन जिहड़ी इंडिया दी होई सी, इंडिया दी नहीं होई, ये पंजाब दी होई सी, ऐसे करके भुगत रहे। तो मेरा तो कहन दा यही है बई, आपां नूं जट्टो इकट्ठे होके, जिवें चौधरी छोटू राम कहिंदे सीगे भी ये मजहब एक कमीज है, इहनूं कदे भी ला के दूसरी कौ कमीज पा सकते आपां, उही गल है। ते आपां समझिए इस गल नूं, ते सारे इकट्ठे होइए ते आपदी कोई पार्टी बनाइए, जिवें चौधरी छोटू राम ने बनाई सी, आपदी पार्टी होवे, नहीं तो ये तां गल ही नहीं करन दे। हुण जिथे जाने उत्थे, हुण आ पार्क साडे घर दे सामने पार्क, इत्थे बह गया, जट्टां नूं तां आए आ, तुहाडे तां आए, इन्हां तों रज नहीं आउंदा, ये तां लिमटा चक लैंदे आ, फलाना चक लैंदे आ। भी इन्हां नाल कोई तुसीं गल करके, ये जिहड़े लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन्हां दे तां वो गल्लां होईयां पईआं। हुण भाई साहब ये तां प्रचार करांगे अपनी कौम दा, फिर ही अगे वधांगे। ते सिक्खी भी आही है, हुण अपने पग बन के कह दिंदे, हुण सिक्खी क्यों आउंदी है, हुण जट कौम जट यूनिटी दा अपना पेज है, ते इस चों सिक्खी कित्थों आ गई, हुण मैं दसदा, हुण अद्धे तां जट अपने कहिंदे असीं सिख हैं जी, साडी कौम सिख है। और फिर सिक्खी बारे समझाउणा तां पऊगा ना, भी सिख की है, सिख इक पंथ है, पंथ च सारियां कौमां दे लोग रहिंदे, कल्ले जट नहीं रहिंदे, होर कौमां दे भी लोग है। ते हुण मंगण आपां लग जांदे आं हक, सिखां नूं हक दो, उत्थे तां फिर दूसरियां कौमां भी आ जांदियां, फिर ओह लै जांदियां, थोड़े हक तां जट्टां दे आ, जट भोले है। हुण ये तो हम आपां नूं सोचना चाहिए ना भी आपां कमें करना है की करना। हुण आपणे तां पार्टियां च वंडे पए है, हुण अद्धा पंजाब च है, हुण जट कौम तां हुण पाकिस्तान च भी रहिंदी है, जट कौम पंजाब च भी रहिंदी है, जट कौम हुण राजस्थान च भी रहिंदी है, जट कौम हरियाणे च भी रहिंदी है। हुण दसो उहनां दा की, तुसीं तां हरियाणवी हो, तुसीं तां राजस्थानी हो, तुसीं तां मतलब आपां नूं वर्ड एक कमें आपां कर सकदे। इहदा एक ही सलूशन है बई जी, आपदी सभा बनाओ, एक दूसरे नाल गल करो, बात करो, फिर ही कोई अगे वधांगे, नहीं तां ये
ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ ਅਸਲ 'ਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ 'ਚ ਫੰਗ ਦੇ ਤਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੈਂ ਐਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੁਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੜੀਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਕਰਨਪੁਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਭਾ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਚੰਗੇ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਏ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ BJP 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ BJP ਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਹੈਂ ਉਹ ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੱਟ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਹਾਂ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੱਟਾਂ ਜੱਟ ਜੱਟ ਬਣਾਤਾ, ਮਗਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡੋਂਗੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿੰਨੀ ਵੰਡੂੰਗਾ ਉੰਨੀ ਮੇਰੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ।